हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दो दोनों ही रिलेटेड हैं इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से और खास तौर से अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्लासगो में चल रही है जो कि एक्सटेंशन है या एक समिट है अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑफ 2015 उसमें पहला इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है ग्लोबल मीथेन प्लेज और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि कई लोगों के हिसाब से बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा इंडिया के पार्ट पे कि 2030 तक इंडिया 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन को कट करेगा ताकि जो पूरा एफर्ट है ग्लोबल कि किस तरीके से हम अपनी ग्लोबल वार्मिंग को क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सके कम कर सके क्या है ये दोनों चीजें सबसे पहले बात हो जाए ग्लोबल मीथेन प्लेज ग्लोबल मीथेन प्लेज को एक्चुअली लॉन्च किया गया यूएन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में और 90 से भी ज्यादा कंट्रीज इसको ऑलरेडी साइन कर चुके हैं इस एफर्ट को स्टार्ट किया गया लीड किया गया यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन द्वारा क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि मीथेन, अगर आप देखें, तो हमारे एटमोस्फियर में सेकेंड मोस्ट दूसरा सबसे एबेंडेंट ग्रीन हाउस बेसिकली गैस है पहला कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन को भी कट डाउन कर सकेंगे तो हमारा जो पूरा एफर्ट है कि किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को क्लाइमेट चेंज को टेंपरेचर को कंट्रोल कर पाएंगे रोक पाएंगे स्लो कर पाएंगे उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप इसको देखा गया है क्या एक्चुअली है ग्लोबल मीथेन प्लेज ये जो प्लेज है इसको पहली बार अनाउंस किया गया सेप्टेंबर में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन द्वारा और इस एग्रीमेंट के थ्रू किस तरीके से जो ग्लोबल मीथेन एमिशन है इनको कम किया जा सकेगा रिड्यूस किया जा सकेगा क्या एग्जैक्ट टारगेट है कि 2030 तक जो भी मिथेन इमिशन हैं ग्लोबली उनको 30 परसेंट तक कम किया जा सकेगा 2020 के बेसिकली लेवल से मतलब अगर अभी हम 100 बिलियन टन एमिट करें टू थाउजेंड ट्वेंटी में तो 2030 में कितना होगा सिर्फ 70 बिलियन टन और ये हमको करना होगा हमारे डेवलपमेंट एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए मतलब इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी की डिबेट इसका मतलब हमें इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करते जाना होगा लेकिन टेक्नोलॉजी यूज करके स्ट्रेटेजी यूज करके अग्रीमेंट्स को यूज करके रिसोर्स को पूल करके या रिसर्च करके अपने मीथेन मीथेन्स को लगातार कम करते जाना होगा आईपीसीसी की रिपोर्ट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट उसमें कहा गया है कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है उससे हमें अपने टेम्परेचर को वन एंड हाफ डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है और टू डिग्री से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं और इस वन एंड हाफ और टू डिग्रीज में से जो वन डिग्री कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ मीथेन का ही है तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली 50 परसेंट से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन या रफली 50 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ मीथेन एमिशन की वजह से है हमारे ग्लोबल वार्मिंग में क्लाइमेट चेंज में तो इस वजह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड उसके अलावा बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको अगर कम कर सकें पर्टिकुलरली मीथेन को कम कर सकें तो पूरे वर्ल्ड के लिए ग्लोबल कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकती है नियर टर्म में ग्लोबल वार्मिंग को कैसे मिटिगेट किया जाए और कैसे हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले वन एंड हाफ डिग्रीज पर ही रोक दिया जाए कंट्रोल कर दिया जाए क्या है मीथेन यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जो टोटल बेसिकली वार्मिंग है या ग्लोबल वार्मिंग है उसका कंट्रीब्यूशन 25 परसेंट तक सिर्फ मीथेन जो कि बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से होता है और क्योंकि मीथेन का एमिशन आप जीरो नहीं कर सकते क्योंकि जो नेचुरल गैस है उसका जितनी ज्यादा एटमोस्फेयर में उतना ही ग्लोबल वार्मिंग को यह बढ़ावा देगा और उसकी वजह से उतना ही अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा अब आप सोच लोंगे कि अच्छा तो मीथेन एक तो नेचुरल गैस का प्रोसेस है इसके अलावा और क्या सोर्सेस हो सकते हैं मीथेन के तो दो मेजर कैटेगरीज हैं एक तो ह्यूमन सोर्सेस दूसरा नेचुरल सोर्सेस ह्यूमन सोर्सेस में अगर हम देखें तो ह्यूमन सोर्सेस मतलब हम लोग जो खुद आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं मीथेन वो किन किन <coughs> रीजन से हो सकता है जैसे लैंडफिल्स जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस सिस्टम्स जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जैसे कोल माइनिंग जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस अच्छा इन सब ह्यूमन सोर्सेस के डिफरेंट सोर्सेस में से भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर कौन सा है ऑयल एंड गैस सेक्टर जिसमें यूपीएससी देने से पहले आई एस बनने से पहले मैंने भी रफली टेन ईयर्स अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट कैपेसिटीज में बेसिकली काम किया विद कंपनीज लाइक ब्रिटिश पेट्रोलियम शेल लंबर जेटेट्रा और नासा के हिसाब से ये जो हमारे ह्यूमन सोर्सेज हैं जिनको एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज भी कहा जाता है ये जो टोटल मीथेन एमिशन हैं, उनके 60% से भी ज्यादा बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं इसका मतलब जो नेचुरल सोर्सेज हैं नेचुरल सोर्सेस सिर्फ 40 परसेंट तक ही कंट्रीब्यूट करते हैं ज्यादातर मीथेन एमिशन ह्यूमन की वजह से क्रिएट होते जा रहे हैं क्या क्या इसके प्राइमरी सोर्सेस हो सकते हैं जो ह्यूमन सोर्स हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करना या फिर लैंड फिल्स का डीकम्पोज होना और एक बहुत मेजर जो बेसिकली सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है मिथेन में या मिथेन एमिशंस में वो है हमारा एग्रीकल्चर या कृषि सेक्टर दोस्तों इंडिया में क्या सिचुएशन है क्या सिर्फ यही तीन सेक्टर हैं नहीं नेचुरल गैस के अलावा जो कोल बेट मीथेन है इसका एक्सट्रैक्शन भी एक मेजर सोर्स ऑफ मीथेन के रूप में लगातार उभरता आ रहा है क्योंकि एनर्जी डिमांड्स बढ़ रही हैं क्लीन फ्यूल्स हमें चाहिए और कोल बेट मीथेन एक बहुत वाइबल फॉसिल फ्यूल के रूप में पिछले कुछ डिकेट्स में इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे टू में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड को कहा कि आप अगले दो या तीन साल के अंदर कम से कम दो मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर ऑफ कोल्ड मिथेन आप प्रोड्यूस करेंगे तो कोल कोलबेड मीथेन शेल गैस की तरह अनकन्वेंशनल गैस में से है जो बहुत ग्राउंड के अंदर डीप बरेड होती है तो जब बेसिकली आप कोल निकालेंगे या ड्रिल करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे कोल सीम्स को तो उसके साथ ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर के साथ उस कोल के साथ जो अटैच्ड मीथेन होगी वो भी इनवायरमेंट में रिलीज होना शुरू हो जाएगी हमारी ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएगी तो ये कुछ बेसिकली सोर्सेस के कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं कुछ बेसिकली हैं दोस्तों। अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है मीथेन के साथ डील करना क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में अगर हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात माने तो इनके हिसाब से जो मीथेन है इसकी जो एटमोस्फेरिक लाइफ है वो रेलेटिवली काफी छोटी है जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड या सीओ से कंपेयर करें तो इसकी लाइफ सिर्फ बेसिकली है लेकिन इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 80 टाइम्स मोर है मतलब 80 टाइम्स ज्यादा हीट कैरिंग कैपेसिटी है ज्यादा बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने की कैपेसिटी है या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है मीथेन का कंपेयर टू सीओ इस वजह से जो इटेड नेशन उसका यह भी कहना है कि अगर हमारी मीथेन लीक रेट टू से टू एंड हाफ परसेंट भी होगी तो ये जो हम सारा एफर्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को बेसिकली लाना फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना वो सारी कोशिशें सिर्फ अकेला मीथेन एमिशन का बढ़ना बर्बाद कर सकता है और आई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से जो सेवेंटी हमारे मीथेन एमिशन है वो हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है बिना किसी नए इन्वेस्टमेंट के बिना किसी नई टेक्नोलॉजी के उससे ही कम किए जा सकते हैं साथ ही साथ अपू फोर्टी परसेंट मतलब फोर्टी परसेंट मिथेन एमिशन को बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के हम कम कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस गैस का एटी परसेंट या एटी टाइम्स एक्चुअली ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले और एटमोसफेयर में जो सेकेंड मोस्ट एवेंट गैस है जिसके सिक्सटी जो सोर्सेज हैं वो ह्यूमन सोर्सेज हैं फोर्टी परसेंट सोर्सेज हैं नेचुरल सोर्स हैं तो अगर ह्यूमन सोर्सेज को कंट्रोल कर ले और नेचुरल सोर्सेज को यूज़ को थोड़ा कट डाउन कर दें तो कितनी मदद कर सकता है हमारी जो कोशिश है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले हमारा टेम्परेचर वन एंड हाफ डिग्री से ज़्यादा ना पड़े क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से तो सिर्फ वन डिग्री जो टेम्परेचर राइज है वो सिर्फ मीथेन एमिशंस की वजह से हो सकता है तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ टूडेज लेक्चर जो सेकेंड पार्ट है इंडिया का जो मेजर अनाउंसमेंट रहा सी में कि इंडिया अब 2030 तक जो हमारे टोटल बेसिकली कार्बन होंगे उसमें कम से कम से बिलियन बिलियन टन टन का इंश्योर करेगा जो कि एक्चुअली अलोंग द अनएक्सपेक्टेड लाइन है क्योंकि कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री इस मेजर अनाउंसमेंट को कमिट बेसिकली करेगा टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पांच इंपॉर्टेंट क्लाइमेट टारगेट्स इंडिया के लिए सेट किए जिसमें चार तो बेसिकली एक्सपेक्टेड थे लेकिन जो पांचवा, जिसको सबसे ज्यादा सब्सटेंटिव या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट कहा जा रहा है कि 2030 तक हम वन बिलियन टन रिडक्शन इंश्योर करेंगे जो हमारे प्रोजेक्टेड इमिशन है कार्बन एमिशंस हैं, हैं उनमें और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यह पहली बार हुआ है कि इंडिया ने किसी तरह का क्लाइमेट टारगेट खासतौर से जो एमिशन टोटल हमारे से उसमें कितना कट करेंगे ये पहली बार इंडिया ने अपने आप को ग्लोबल फोरम पे कमिट बेसिकली किया है क्या है ये रिडक्शन टारगेट कि एक्चुअली जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया के टोटल ग्रीन हाउस जो गैस इमिशन है टू में रफली थ्री बिलियन टन पर ईयर है और अगर आप प्रोजेक्शन देखिए अगर इसी तरीके से चीजें बढ़ती रही तो 2030 तक हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है वो रफली बिलियन टन पर ईयर से भी ज्यादा हो जाएंगे लेकिन इंडिया ने अब यह कहा है कि एक्चुअली तक हम इसको फोर बिलियन टन नहीं बढ़ने देंगे लेकिन एक बिलियन टन हम इसको कट कर देंगे तो अगर 2018 में 3.3 बिलियन टन, टन पर ही बेसिकली ले आएंगे बाय 2030। इसका मतलब अभी और 2030 के बीच में इंडिया रफली 35 टू 40 बिलियन टन अभी के जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा एमिशंस जनरेट करेगा और ये जो 1 बिलियन टन है इसका मतलब हमें जो हमारे एब्सोल्यूट एमिशंस हैं उसमें से 3 टू 4% परसेंट का कट हर साल इंश्योर करना पड़ेगा मतलब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंश्योर करनी है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है अपने फॉसिल फ्यूल मिक्स को भी बेसिकली मैनेज करना है और इस सारी ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हमें एम्प्लॉयमेंट के साथ अपने कार्बन इमिशंस को बेसिकली कम करते जाना है और इस वजह से क्योंकि बहुत बड़ी डिबेट है डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए कि इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी कि अगर आप नए फैंसी रिन्यूएबल फ्यूल्स की तरफ जाते हैं तो हो सकता है आपके लिए इकोनॉमिकली वो एक्सपेंसिव पड़े तो इसलिए बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज रिलक्टेंट हैं थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं अपने आप को एप्सल्यूट इमिशन को कमिट करने के लिए लेकिन इंडिया ने बहुत मेजर अनाउंसमेंट ये किया है क्या है नेट नेट जीरो जीरो अगर आप टर्म्स में समझें तो इसका मतलब है कि किसी भी कंट्री के टोटल जब उसकी जो होंगे मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड आप इमिनेट करते मान लीजिए आपने कार से इमिनेट किए इंडस्ट्री से इमिनेट किए या आपने ब्रीदिंग से इमिनेट किए या इंडस्ट्रियल प्रोसेस इमिनेट किए तो आपके जो सिंक हैं कार्बन इमिशन जो सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे आपके ट्रीज हो सकते हैं फॉरेस्ट हो सकते हैं या कई सारे फिजिकल रिमूवल हो सकते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकते हैं अगर दोनों जीरो हो जाए कि जितनी आप एमिट कर रहे हैं उतना ही आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं एन्वायरमेंट से निकाल भी रहे हैं उस सिचुएशन को आप कहेंगे नेट जीरो 70 कंट्री से भी ज्यादा ने यह कहा है कि 2050 तक वो ये नेट जीरो कार्बन एमिशन बेसिकली अचीव कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट गोल है 2015 के उनको अचीव करने में कि किस तरीके से जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स हैं उनसे वन एंड हाफ डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे और टू डिग्री से ज्यादा तो किसी भी हाल में टेम्परेचर नहीं बढ़ने चाहिए अच्छा इंडिया ने अपने लिए नेट जीरो टारगेट किस तरह सेट किए हैं इंडिया ने कहा है कि टू तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन एक्सपेक्ट कर लेंगे मतलब ये पहली बार हुआ कि इंडिया ने और कई लोगों कहना है कि शायद ग्लोबल प्रेशर या ग्लोबल पीयर ग्रुप की वजह से या मोटिवेशन की वजह से इंडिया ने क्लियरली कहा है कि हम ने 2070 अपने लिए फिक्स किया है कि तब तक हम अपने कार्बन इमिशन ग्लोबल हाउस गैस इमिशंस को इतना कम करते जाएंगे कि 2070 में जितना हम एमिट करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के साथ और इस वजह से इस बेसिकली अनाउंसमेंट को एक मेजर ग्लोबल अचीवमेंट माना जा रहा है अभी तक जो हमारा कमिटमेंट रहा वो रहा कि जो हमारी एमिशन इंटेंसिटी है उसको हम 30 टू 35 परसेंट तक कम कर देंगे बाय 2030 थाउजेंड थर्टी कंपेयर टू टू लेवल्स लेकिन अब हम कह रहे हैं कि उस 30-35 परसेंट से काम नहीं चलेगा वो हमें रफली 45 टू 50 परसेंट कम करना पड़ेगा बाय 2030 और 2070 तक पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा कई तरीके से इस चीज को आप अचीव कर सकते हैं इंडिया के अगर आप पास परफॉर्मेंस देखें तो उसमें जो इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी उसको 450 फिफ्टी तक बढ़ाया जाएगा बाय 2030। अभी हमारी जो रिन्यूएबल्स की इंस्टॉल कैपेसिटी है वो रफली 175 सेवेंटी फाइव गीगावाट एक्सपेक्टेड है बाय 2022। इसके अलावा ऐसा हमें लगता है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंडिया तेजी से बढ़ रहा है चाहे वो हमारी सोलर एनर्जी हो हमारे बायोफ्यूल्स हो और भी बहुत सारी चीजें हों तो ये 450 से 500 हंड्रेड गीगा वॉट का जो बेसिकली टारगेट रखा है 2030 तक ये ऐसा लगता है काफी अचीवेबल हमें दिखाई पड़ता है दोस्तों तो अगर हम समराइज करें कि ये तो बात हो गई हमारी नेट जीरो टारगेट बाय 2070 बाकी चार कौन सी इंडिया की प्लेजेस हैं तो पहला कि हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है इसको टू तक कितना बढ़ाया जाएगा फाइव हंड्रेड दूसरा नेट जीरो बाय 2070 इसका मतलब इंडिया ने कहा है कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैस इमिशन हैं इसको हम नेट जीरो पे ले आएंगे बाय 2070 थर्ड मेजर अनाउंसमेंट जो 50 परसेंट हमारी एनर्जी है 2030 तक वो रिन्यूएबल सोर्सेज से सोर्स की जाएगी फोर्थ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जो टोटल कार्बन इमिशन है हमारे टू तक उनमें वन बिलियन टन पर एन की कटौती इंश्योर की जाएगी और जो पांचवा बड़ा अनाउंसमेंट रहा कि जो इकोनॉमी का कार्बन इंटेंसिटी है जो पहले हम 30, 35 परसेंट रिड्यूस करने का सोच रहे थे अब उसको हम 45 तक रिड्यूस करेंगे 2030. तो मुझे उम्मीद है दोस्तों चाहे हमारे अनाउंसमेंट हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस चाहे जो मिथिन गैस प्लेज में एक इंपॉर्टेंट कमिटमेंट दिया इंडिया ने और ये सबसे बड़ा कमिटमेंट कि 2030 तक हम 1 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस इमेश कट करेंगे और 2070 तक नेट जीरो बेसिकली स्टेट को अचीव करेंगे ये बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है फ्रॉम ए वेरी मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया जिसको अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ाना है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है साथ ही साथ अपनी क्लाइमेट को अपनी इकोलॉजी को भी बैलेंस करना है मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर ऑन बेसिकली मिथिन प्लेज और नेट जीरो एंड वन बिलियन कट रिडक्शन बाय 2030 आपको पसंद आया होगा Stay tuned for a set of videos until then Jai Hind Jai